सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव में अज्ञात चोरों के द्वारा दो मकान में चोरी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विजयपुर गांव निवासी दुखी चौरसिया और रितेश श्रीवास्तव के मकान एवं दुकान के अंदर चोरी की घटना को चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया है। इस घटना की सूचना सुबह जैसे ही मैरवा पुलिस को दी गई, तुरंत मैरवा पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों मकानों का जांच किया। जांच के बाद एसआई रमेश कुमार सिंह ने बताया कि रितेश श्रीवास्तव के मकान में 50,000 नकद और 30,000 रुपये की सामान चोरी की गई है। वहीं दूसरे व्यक्ति दुखी चौरसिया के दुकान से 5,000 से अधिक की सामान की चोरी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों में चोरी की घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस के निष्क्रियता के वजह से लगातार चोरी की घटनाएं घट रही है, चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगता है तो हम लोग मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन करेंगे तथा चोरों को पकड़कर जमकर पिटाई करेंगे। ज्ञात हो कि विजयपुर गांव में एक सप्ताह के अंदर चोरी की घटना 4 बार हो चुकी है, जिससे कि स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिवान जिले के मैरवा पुलिस विजयपुर गांव में पहुंची हुई है रितेश श्रीवास्तव के मकान पर और जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि देखा जाए कि मैरवा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 4 से 5 जगह लगातार 2 से 3 दिन के अंदर चोरी हुआ है, लेकिन मैरवा प्रशासन अभी एक भी चोर तक नहीं पहुंच पाई है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से रात को अज्ञात चोरों के द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, उस तक मैरवा प्रशासन कब तक पहुंच पाती है और उस अज्ञात चोर को गिरफ्तार करके कब तक जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है, अब यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। सर, ये जो लगातार ये तीसरी चोरी की घटनाएं विजयपुर में हुई है, आज दो चोरी की घटनाएं रात को चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया है, क्या कहेंगे सर? इसमें हम क्या कह सकते हैं, चोरी है। एक बैग माने लोग पहले से घात लगाया रहता है, कर्ज बैठता है, तो अब रह गई कि अपने से भी जनता को भी जागरूक रहना है और हम लोग को भी गश्ती तेज करना बहुत अनिवार्य है। गश्ती की कमी के चलते ही हो सकती है, लोगों का आरोप भी है सर कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से चोरी घटनाएं बढ़ी हुई है। बुद्धि कही रहे श्रीमान की हम लोगों में भी कुछ कमियां हैं, जब गाड़ी हमारे पास साधन भी बहुत कम है। पहल क्या रहेगी सर इस पर आपकी, आप लोगों की पहल यही रहेगी कि हम तो बोले कि आप आइए आवेदन दीजिए, इसका रजिस्टर्ड बड़ाबाबू करेंगे, अवश्य करेंगे, बड़ाबाबू कहने पर हम आए हैं। सर आप घर के जांच किए, क्या कुछ यहाँ पे यहाँ से सामान गायब हुआ? हाँ, यहाँ पर तो लोग बता रहे हैं कि इसमें कैश था, घर ही में कंपाउंड के अंदर घर ही ना है, इसी में से रखा हुआ था, रुपया था बता रहे हैं लोग कि 50,000 रुपया था, और सामान जो गए हैं 15-20 हज़ार के, जो कि बड़ा बड़ा डब्बा और फॉर्चून वगैरह ऐसी जो भी सामान है लोग उठा कर कर ले गए हैं। चोरी की घटनाएं पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, कैसे पुलिस निपटेगी इससे? इससे निपटने के लिए तब यही नहीं हम माने सघन छापमारी करेंगे, कहीं शक सुबह पर ज़्यादा इसको छापमारी करेंगे, हर प्रबंध करेंगे और गश्ती को बढ़ावा देंगे, मोबाइल होते रहेगा हमेशा माने रनिंग करते रहेंगे, तब ना मोबाइल नहीं करेंगे। पर्चे दे दिया जाए सर, पर्चे दे दिया। हम मैरवा थाना के एसआई रमेश कुमार सिंह। थैंक यू। आप यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं और आपके गांव भी पड़ता है, लगातार ये तीसरी घटना चोरी की हुई है, क्या कहेंगे? देखिए यही बात बा कि सबसे ज़्यादा सरकार के भी दोष बा और पुलिस प्रशासन के भी दोष बा। आज सरकार टट रही तो चोरी चमारी ना होई, आ पुलिस प्रशासन भी टट रही तो ना होई। गांव के लोग अगर पहरा करता तब लोग के दुख लगता, आदमी पकड़ा था तो वो दुख लगता। तो हमारे ही कहना बा कि अगर मान ले कि पुलिस प्रशासन अगर नहीं व्यवस्था कर तो हमनी के व्यवस्था कर देव जा, चोर के बढ़िया से व्यवस्था कर देव जा, ना चोर रही ना चोरी करी, ठीक बा। अगर नहीं कुल पुलिस प्रशासन दिक्कत तो हमनी के रोड जाम कर जा, ISP DM के भी आवे के पड़ी या सरकारों के भी। प्रशासन से क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक अच्छी के पकड़े के बा, चोर सन के पकड़े के बा, आई पर कदम बढ़ावे। ऐसे कि 5-6 घर में चोरी हो गई, 3-4 गो मोटरसाइकिल, यहाँ मैंने लगभग 3 गो मोटरसाइकिल चोरी
होइए गइल बा थाना में दियाइलो बा पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं है कहाँ बनी जा हमने के आज तक कोनो कार्रवाई भइल बा पर खाली आवत लो जात लो बस हो गइल आवेदन दिया गइल तो हमारी का नाम बगे कदम निकल बराबर तो रोड जाम हो रोड वो कोराई आ सरकार बुझ जाए यार पुलिस प्रशासन किसकी लापरवाही से इस तरीके से लगातार घटना हो रही है सब प्रशासन के अथी से हो रहा बा प्रशासन के कमी बा प्रशासन से अधिक चोरी हुई एकदम ना हुई तो यही पर हमारी का नाम बाकी रोगोलो से कि देखी यही पर तनि रोगोलो एक रखे अथी कर लो कि भाई सरकार आ पुलिस प्रशासन भी यही पर अथी हो गो हम जानता बा कि अगर चोर पकड़ा जाए तो छोड़ब जाना एक खातिर कुछ भी हो जाए पर्ची दे दिया जाए दशर खबर बी डी सी और कोली पंचायत माले नेता जी भैया ये बताइए आपके घर में अज्ञात चोरों के द्वारा आपके चोरी कर लिए गए क्या क्या सामान है कुछ गया है आपके घर से हाँ 50,000 रुपया नगद गया और 15-20,000 रुपये का सामान गया कब का यह चोरी हुआ अब रात को हुआ है हम लोग सुबह 6:45 उठे हैं तो देखे हैं जो मतलब चोरी हुआ है दुकान का वेंटिलेटर है उसी से तोड़ करके घुसा गया है ताला काटा गया है ताला नहीं कटा है तो वेंटिलेटर तोड़ के घुसा गया क्या आप लोग घर पर नहीं थे और घर पे थे हम लोग सोए हुए थे लेकिन आप लोग को जानकारी नहीं मिली सुबह में हुई है अच्छा क्या आवेदन वगैरह दिया गया था अब जाके थाना में हम लोग आवेदन देंगे क्या मांग करना चाहेंगे मांग यही है ये प्रशासन से अपना वो चोर को पकड़े और गांव को सुरक्षित रखे गश्ती बढ़ाए यही ना हम लोग मांग करेंगे सिर्फ पैसा ही चोरी हुआ की और सामान भी गया है 15-20,000 रुपए का सामान गया है और 50,000 रुपए नगद उसमें काउंटर में था और घर ही है वो कोई दुकान नहीं है घर है पर्ची दे दिया जाए रितेश कुमार श्रीवास्तव विजय आपके अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है मकान में क्या कहेंगे इस पर क्या कहेंगे जिस तरीके से चोरी हुआ है आपका मकान में रात को क्या क्या हम देखे थोड़े हैं सामान इतना को ले गए हैं क्या क्या सामान चोरी हुआ है सामान पैसा ये 3,000 रुपया गया है सामान गया है 3,000 रुपया गया है और सामान गया है ये कब का चोरी हुआ है आपके यहाँ कब का यह चोरी हुआ है 12 बजे के बाद रात को यानी पुलिस आई थी यहाँ पे आपके घर पे जांच हो चुकी है आवेदन आप लोग जमा कर दिए हैं अभी भी आप लोग जमा करेंगे पुलिस आई थी तो क्या आश्वासन दिया आपको पुलिस आई है तो क्या बोली आपसे सावधानी से रहना दूसरा का काम जी अपना नाम बताइए दुखी प्रसाद विजयपुर जी बताइए अज्ञात चोरों के द्वारा विजयपुर गांव में एक घर में चोरी कर लिए गए क्या कहेंगे इस पर विजयपुर गांव की ये हिसाब से ये पांचवी घटना जी आप तन कुछ बोला है ना अपनी टोली बनाकर गश्त भी कर रहे हैं लेकिन चोरों का मन इतना बड़ा हुआ है इस घर में व्यक्ति मौजूद है महिलाएं मौजूद है पुरुष मौजूद है सबके मौजूदगी के बाद भी घर में जो है विजयपुर गांव के स्पेशली टारगेट किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस गांव के जितने भी लोग हैं सबको मिल के साथ में गश्ती करना चाहिए जगना चाहिए और सावधान रहना चाहिए अनुराग श्रीवास्तव किरण सारी है और इसी गांव का वार्ड हूँ वार्ड नंबर 3 का कोली पंचायत और मेरे गांव में आए दिन आज से 5 दिन से लगातार मतलब चोरी हो रही है मतलब रोड पर भी मोबाइल छीना जा रहा है किसी के घर में डायरेक्ट ऐसे घुस कर चोरी हो जा रहा है खुलियाम और इस पर के पुलिस को ही आज तक कार्रवाई नहीं की है क्या मांग करना चाहेंगे मांग करना चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे इस पर हम लोगों को सुरक्षित करे नहीं तो मान लीजिए ऐसे करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे मेरा नाम काली सगीर अंसारी है वार्ड नंबर 3 से गाँव का निवासी है चोरी की घटना घटी है क्या कहेंगे इस पर ये तो बहुत गलत हो रहा है ठीक है हम लोग को मतलब गलती कर रहा है फिर भी उसके बावजूद भी चोरी हो जा रहा है ये बहुत गलत है इसको प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा क्या लग रहा है जिस तरीके से लगता है चोरी की घटना हुई इस तरीके से प्रशासन को क्या करना चाहिए प्रशासन को उचित कार्रवाई करना चाहिए चोर जो पकड़ा है उसको उचित दंड देना चाहिए ठीक है हम तो यही कहना चाहेंगे चाहे कोई भी हो उसको उचित दंड मिले दे दीजिए मुन्ना कुमार राम पंच वार्ड नंबर 3